दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज मैं आपसे बात करूंगा स्क्रैप टायर कटिंग बिजनेस के बारे में। आज के समय लोग इस बिजनेस के थ्रू पुराने टायर काट कर लाखों रुपए कमा रहे हैं। आपको बताऊंगा कि इस बिजनेस को कैसे शुरू करना है, कौन कौन सी मशीनें चाहिए, कितना एरिया चाहिए होगा, कितनी लेबर चाहिए आपको इस बिजनेस को शुरू करने के लिए, और आप कैसे इस बिजनेस को चालू कर सकते हैं, और खर्चा कितना आएगा, उन सब चीजों के बारे में आपको बताऊंगा। माय नेम इज पोंदियाका, वेलकम बैक इन अवर न्यू वीडियो, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो आपको 4000 स्क्वायर फीट की जमीन चाहिए होगी, जहाँ पर आप मशीनें रखेंगे और आपने जो पुराने टायर हैं उनको रख सकते हैं, ताकि आपका स्टॉक बना रहे और आपका काम कंटिन्यू चलता रहे। आपको बताना चाहता हूँ, इस बिजनेस के लिए आपको 3 मशीनों की जरूरत पड़ेगी। पहली है स्ट्रिप टायर कटिंग मशीन। इस मशीन के द्वारा आप टायर को छोटे छोटे हिस्सों में काट सकते हैं। और जो दूसरी मशीन आपको मैं बताना चाहता हूँ, वो साइड वॉल टायर कटिंग मशीन है, जिसकी मदद से आप टायर को साइड से काट सकते हैं। और जो तीसरी मशीन हमारी, वो है टायर वायर रिमूवर मशीन, जिसकी मदद से हम टायर के अंदर जो वायर होती है, स्टील की होती वायर है, उसको निकाल देंगे और उससे रबड़ को अलग कर देंगे, वायर को अलग कर देंगे इस मशीन के थ्रू, जैसा आप देख रहे हैं। और इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब इस काम को शुरू करते हैं तो आपको 5 से 6 लेबर चाहिए होती है, ताकि आप उनसे टायर को उठवा के कटवा सके, रखवा सके, और उनके पीस जो टायर के होते हैं वो अलग करवा सके। उसके लिए 5 से 6 आदमियों की आपको जरूरत होती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप ये पुराने टायर कहाँ से आपको मिलेंगे। इसके लिए आप जो साइकिल की दुकान होती है, पंचर की दुकान होती है, जो इन टायरों को रिपेयर करते हैं, पंचर करते हैं, उनके पास ये स्क्रैप टायर आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको कार के टायर चाहिए तो आप जो सर्विस स्टेशन होते हैं, कार के जो रिपेयरिंग स्टेशन होते हैं, वहाँ पे जाके आप उन टायरों को, उनसे पुराने स्क्रैप टायर, खराब टायर, उनसे ले सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको चाहिए कार ट्रक के टायर, तो ट्रक के टायर के लिए आपको बड़ी बड़ी लॉजिस्टिक्स कंपनियाँ होती हैं, उनसे के मालिकों से कॉन्टेक्ट करते हैं, उनसे बात करते हैं, और उनके टायर को आप खरीद सकते हैं। पुराने स्क्रैप टायर वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सस्ते दामों पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि उनके 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 पास जो काम के टायर नहीं होते वो अलग रख देते हैं और बाकी नए टायरों को देते हैं। इसलिए उनसे आप बात कर सकते हैं, उनसे पुराने टायर, स्क्रैप टायर होते हैं वो उनसे ले सकते हैं और अपने बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपके पास कटिंग टायर होते हैं उनको आप उन कंपनियों को बेच सकते हैं जो टायरों का पाउडर बनाती हैं। उन जो कटिंग टायर होते हैं उनको इस्तेमाल करके, उनको पीस कर वो उनका पाउडर बनाती हैं, और जो पाउडर होता है उसका इस्तेमाल ऑटो स्पेयर पार्ट बनाने में, गाड़ियों के पार्ट्स बनाने में, और प्लास्टिक के आइटम बनाने में, और जूते चप्पलों को बनाने में किया जाता है। और बहुत सारे फ्लोरों में भी इसका इस्तेमाल, बहुत सारी जगह पर इस पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इन कंपनियों को आप अच्छे खासे दाम पर इनको बेच सकते हैं, और इनसे डिसाइड कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको 1 टन के हिसाब से बेच सकते हैं, या 1 टन का पैसा आपसे ले सकते हैं, या पर केजी के हिसाब से इनको, अपने कटिंग टायर को इनको सेल कर सकते हैं। आपने अपना प्राइस, अपना प्रॉफिट डिसाइड करने के बाद कितना खर्चा आ रहा है उस हिसाब से आप इनसे बात कर सकते हैं। वैसे 1000 जो टन का टायर अगर आप लेते हैं तो उसमें 12000 रुपये के आसपास का खर्चा आपको देखने को मिलता है। और मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप बिजनेस अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आपको 7 से 8 टन टायर एक दिन में काटने होंगे, तब अच्छा खासा बेनिफिट आप, और उसको बेचना होगा, तब आप अच्छा खासा बेनिफिट आप देख सकते हैं इस बिजनेस में। अगर आप इस बिजनेस को और भी ज़्यादा इसी तरह से ग्रो करेंगे तो ग्रो होने के बाद आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा, और आप अपना खुद का टायर को पीस करके पाउडर बनाने वाला प्लांट कन्वर्ट कर सकते हैं। अपने जो टायर कटिंग बिजनेस के जो प्लांट है उसको कन्वर्ट करके आप उसको टायर पाउडर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस बिजनेस में आपको और भी ज़्यादा मुनाफा देखने को मिलेगा। इस हिसाब से ये बिजनेस काम करता है। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, मशीनें चाहिए इसके रिगार्डिंग, तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, और किस तरह से आप बिजनेस खोलेंगे उसके बारे में भी आप मुझसे जान सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर देंगे लाइक, रेड रंग का सब्सक्राइब बटन दबा देना, बेल आइकन के बटन को भी दबा देना, ताकि आने वाली हर वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि आप हमें मोटिवेट करें, और वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू गाइस।